जय हिंद दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 1997 में हांगकांग का हस्तांतरण ब्रिटेन ने चाइना को दिया और उस समय जो उनकी बातचीत हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप हस्तांतरण किया गया उसमें यह था कि 50 साल तक हांगकांग में लोकतंत्र को जीवित रखा जाएगा, 50 साल तक एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हांगकांग को कानून दिया जाएगा, 50 साल तक हांगकांग को सेल्फ और सेमी ऑटोनॉमी दी जाएगी और हांगकांग में वो सब फ्रीडम्स जो ब्रिटेन ने दी थी वे सब गारंटी करेगा चाइना। चाइना ने ये बात की थी लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइना लगातार हांगकांग के ऊपर अपनी ग्रिप, जो कम्युनिस्ट ग्रिप है, वह बढ़ाता जा रहा है, उसको जकड़ता जा रहा है। और वर्तमान में जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जिसको चाइना की आप कह सकते हैं संसद है, जो शुरू हुई है, उसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेचर लाया है और उसका कानून बनना भी स्वाभाविक है कि वो पास भी होगा, उधर से भी पास होगा। और हांगकांग में चूंकि अभी जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह प्रो चाइना है और अब जो 2-3 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं उसमें जो लगता है कि चुनाव में वो पार्टियां जीतेंगी जिनके जो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं वे पार्टियां जीतेंगी जो डेमोक्रेसी की पक्षधर है, ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति यह बन जाएगी कि हांगकांग में वीटो ले सकें। लेकिन अभी स्थिति वह नहीं है तो उसके पहले ही चीन डेफिनेटली इसको पास कराएगा और चूंकि उन्होंने उसको प्रेजेंट कर दिया है ड्राफ्ट लेजिस्लेचर को अपनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, तो आप मान के चले कि अब कुछ समय बचा नहीं है कि हांगकांग में इसको कानून बन जाएगा। और एक बार ये कानून एक बार हांगकांग में बन गया तो इसके बाद आप मान के चलिए कि हांगकांग की स्थिति मेनलैंड चाइना जैसी हो जाएगी, जहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस जो होते हैं चाइना के खिलाफ, चाइना के जो एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच है, लोगों की आवाज को दबाने वाली अप्रोच है, मीडिया की स्वतंत्रता नहीं बचती है, चाइना में एक तरह से मीडिया सेंसर्ड है पूरा, यहां तक कि सोशल मीडिया तक नहीं है वहां पर। आप देखेंगे कि चाइनीज अधिकारी जो हैं वे ट्विटर पे हैं दुनिया के सामने, लेकिन चाइना में ट्विटर अलाउड नहीं है, फेसबुक अलाउड नहीं, इवन गूगल अलाउड नहीं है। तो वैसी स्थिति परिस्थिति में हांगकांग भी आ जाएगा। अभी हांगकांग के पास लिबरल प्रेस है, ओपन प्रेस है, इसीलिए दुनिया भर के जो पत्रकारों के ऑफिसेस होते हैं वो अपना जो व्यू रखते हैं, अपनी जो आवाज उठा निकाल देते हैं दुनिया को जो पिक्चर दिखाते हैं चाइना की भी और हांगकांग की भी, वे हांगकांग बेस्ड है क्योंकि हांगकांग में एक तरह से अभी स्वतंत्रता है। लेकिन इस कानून के, इस एक्ट के आने के बाद हांगकांग में किसी तरह की भी चीन के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो जाएगा और जो आवाज उठाएंगे उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि इस कानून के आने के बाद हांगकांग में डेमोक्रेसी का अंत हो जाएगा, वाणी की स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि हांगकांग की जनता इस चीज के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। हमने पिछला पूरा वर्ष देखा जब पूरे साल हांगकांग के अंदर एक ड्राफ्ट आया था जिसके ऊपर इतना बवाल मचा था, उनको चाइना को वापस लेना पड़ा था। वह ड्राफ्ट यह था कि हांगकांग में जो कोई चार्जेस फेस कर रहा है उसको मेनलैंड चाइना शिफ्ट किया जा सकता है इंक्वायरी के लिए और उसके ऊपर जुडिशियल कार्रवाई के लिए। लेकिन मेनलैंड चाइना में जो कोर्ट्स होती है वो तो कम्युनिस्ट पार्टी की कंगारू कोर्ट्स है एक तरह से। तो हांगकांग की जनता लाखों की तादाद में सड़क पर आ गई। स्थिति यह बन गई थी कि कोरोना वायरस के पहले ही हांगकांग आधिकारिक रूप से रिसेशन में चला गया था, सब धंधा बंद पड़ा था, सड़कें भरी पड़ी थी लोगों से, प्रदर्शनकारियों से। अब कोरोना वायरस की वजह से वो चीज कंट्रोल में आई, लेकिन जैसे जैसे हालात सुधरे वापस से लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए, मॉल्स में आना शुरू हो गए और अपने डिमांड्स करने लगे डेमोक्रेटिक राइट्स की। वहां की पुलिस ने जो ज्यादतियां की लोगों पर जब प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की। अब ये बात तो केवल एक ड्राफ्ट के लिए, एक लॉ के लिए हो रहा था। इतना प्रदर्शन हुआ कि हांगकांग से किसी व्यक्ति को जो जिस पर दोष हो, कुछ क्रिमिनल चार्जेस हो, उसको मेनलैंड चाइना में ट्रायल हो सके, उसके लिए अंततोगत हुआ यह हुआ कि चाइना ने वापस से उस
कानून को वापस लिया, लेकिन फिर जब तक ये हुआ था कि जो प्रदर्शनकारी थे वे डेमोक्रेटिक मांगे रखने लगे, पुलिस की ऊपर इंक्वायरी की बात करने लगे, लेकिन अब जो ये कानून है यह तो पूरी स्वतंत्रता को खत्म कर देगा हांगकांग की। तो आप मानकर चले कि लोग सड़कों पर आएंगे, और जब लोग सड़कों पर आएंगे तो डेफिनेटली चाइना जो है जिस प्रकार से एक्ट करता है, जिस तरह से रिग्रेसिव मशीनरी है, मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे रिफाइंड रिग्रेसिव पॉलिटिकल सेंसरशिप वाली मशीनरी कहीं है तो वो स्टेट ऑफ चाइना के पास है। तो चाइना उनको हैवी हैंड से डील करेगा। अब आप ये देखिए कि जब चाइना हैवी हैंड से उनको डील करेगा तो फिर जो ताइवान की जो थ्योरी है कि टू नेशन वन नेशन टू सिस्टम जो कि टेंग जियाओपिन ने लेके आए थे और उसी के तहत मकाऊ और हांगकांग को विलय किया था चीन के अंदर कि एक राष्ट्र रहेगा लेकिन दो अलग अलग सिस्टम चलेंगे। ताइवान कहता है कि ये थ्योरी चाइना के साथ चल ही नहीं सकती, तो इस बात को प्रमाणित कर देगा हांगकांग की सही बोलता है ताइवान कि वन नेशन टू सिस्टम चीन की वर्तमान सत्ता के साथ जो रिग्रेसिव सत्ता है उसके साथ चलना असंभव है। और आप ये देखना कि ऑलरेडी जो यूनाइटेड स्टेट्स के और चाइना के रिलेशंस हैं वो तो फ्री फॉल जिसको कहते हैं उस स्थिति में चल रहे हैं। अब जब ट्रंप के ऊपर बायपार्टिसन प्रेशर आएगा कि चीन के ऊपर कार्रवाई की जाए तो अपने आप को ट्रंप शायद रोक नहीं पाए, और उसके तहत उनको हो सकता है रीवैल्यूएशन करना पड़े कि जो हांगकांग को ट्रेड एंड कॉमर्स के दृष्टि से टू वन कंट्री टू सिस्टम के नजरिए से देखते हुए एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है यूएस लॉ में, और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो सैंक्शंस चीन पर लगते हैं वह हांगकांग के ऊपर नहीं लगते, वो मेनलैंड चाइना का जो ट्रेड है वो वाया हांगकांग हो जाता है। तो हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन को इस कानून में परिवर्तन करना पड़े क्योंकि उनके ऊपर डेफिनेटली डेमोक्रेट्स का भी प्रेशर आएगा और रिपब्लिकन खेमों में भी प्रेशर आना निश्चित है। तो हो सकता है कि उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़े कि जो रीवैल्यूएशन है वह भी करना पड़े, इस स्टेटस का स्पेशल स्टेटस दे रखा है। तो इससे डेफिनेटली जो चीन के और यूएस के संबंध और खराब होंगे, और वैसे भी ऐसा लगता है कि सन 2020 नहीं 1948 की पुनरावृत्ति हो रही है जब कोल्ड वॉर की पहली प्रक्रिया चालू हुई थी। कोल्ड वॉर की पहली प्रक्रिया हुई थी जो बर्लिन का जो कांड था जिसमें उस समय जो यूएसएसआर ने जो उसके कंट्रोल का क्षेत्र था बर्लिन का, उसमें जो वेस्टर्न अलाइज थे उनके पास जाने वाली चाहे ट्रेन हो रूट्स हो उन सबको बाधित कर दिया था। उसके बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हुई थी और कोल्ड वॉर की पहली स्टेज थी। तो कोरोना वायरस के आने के बाद से जिस तरह से चीन ने चीजों को छुपाया, जिस तरह से उस पर आक्षेप लग रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हम 2020 की जगह 1948 में पहुंच चुके हैं, कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हो चुका है। अब हांगकांग के में यदि चीन हैवी हैंड से डील करता है तो आप मानकर चले कि अमेरिका भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा, और ट्रंप को चाहते हुए ना चाहते हुए बाय पार्टीसन प्रेशर के अंदर रिएक्शन देनी ही पड़ेगी और उससे कोल्ड वॉर और बढ़ेगी। और इसमें हांगकांग का जहां तक विषय है, मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्ट्रिएट्स हैं, जो बाहर के लोग हैं और हांगकांग के भी जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो आसपास के जो पॉलिटिकली स्टेबल आइलैंड्स हैं जैसे सिंगापुर हुआ, जैसे ताइवान हुआ, वहां अपने बिजनेस को, अपने पैसे कमाने को, अपनी आजीविका के लिए उसकी तरफ देखेंगे, और हो सकता है कि हांगकांग का जो इंटरनेशनल सिटी का स्टेटस है उसका ये अंत चल रहा है। हम नजरें गड़ाए हुए हैं, जो भी होगा आपके पास लेकर आऊंगा बात को। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।